एक चीज का वन पार्ट वेन आ होल थिंग्स इज डिवाइडेड सम इक्वल पार्ट जब हम एक किसी भी थिंग्स को कोई भी चीज को उसके इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं देन ईच पार्ट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन तो उसका हर पार्ट एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है या बताता है एग्जाम्पल से देखिए वैन अ चॉकलेट इज डिवाइडेड इंटू Six equal parts. एक चॉकलेट को हमने six equal part में divide किया है. है तो हर हमारा क्या होल इस बड़ी चॉकलेट का वन पार्ट क्या है वन अपॉइन सिक्स तो हम इसी को क्या बोलेंगे फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है फ्रैक्शन आपका टू चीजों से दो चीजों से मिलकर बनता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो ऊपर वाला नंबर क्या लाता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमारा होता है डिनोमिनेटर। टाइप ऑफ फ्रैक्शन फर्स्ट है आपका यूनिट फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है आपका वन होता है एग्जाम्पल से देखिए जैसे वन अपॉइन सेवन वन अपॉन इलेवन वन अपॉन फोर्टीन दूसरा है आपका लाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर होता है जैसे वन टू अपॉन सेवन फोर अपॉन सेवन इलेवन अपॉन सेवन नाइनटीन अपॉन सेवन फिर आता है आपका आपकाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं जैसे थ्री अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव टू अपॉन सेवन नाइन अपॉन ट्वेल्व एक्सेट्रा इसी तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर आपका छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है जैसे टू अपॉइंट थ्री सेवन अपॉन फिफ्टीन

दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसमें एक आपका होल नंबर होता है और दूसरा आपका फ्रैक्शन हो जाता है एग्जाम्पल से देखिए थ्री बाई वन अपॉइंट टू क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन फिर एक्सरसाइज आपकी आपकी आती है सिक्स पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन है राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज फाइव एंड डिनोमिनेटर आज सेवन तो आपको फ्रैक्शन लिखना है फ्रैक्शन बराबर क्या होता है न्यूमरेटर ऊपर आता है डिनोमिनेटर नीचे आता है तो ये क्या हो जाएगा फाइव अपॉन सेवन फिर बी वाला देखिए डिनोमिनेटर इज इक्वल टू थर्टी टू एंड न्यूमरेटर आपको सेवनटीन दे रखा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका सेवनटीन अपॉन थर्टी टू इनको आपको अपना आप लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू सर्किल द यूनिट फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको यूनिट फ्रैक्शन में सर्किल करना है जैसे फाइव अपॉइंट नाइन तरीके से हमारा अपॉइंट वन एंड ट्वेंटी क्या हो गया यूनिट फ्रैक्शन हो गया और ये आपका ये भी यूनिट फ्रैक्शन होगा टू वन जा टू 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 जो यानी कि टू अपॉन फोर भी आपका कैसा नंबर होगा यूनिट फ्रैक्शन होगा इसमें आप अपना आप छाट के सर्कल बनाइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका चूज द लाइक फ्रैक्शन इन ईच ऑफ लाइक फ्रैक्शन लिखना है लाइक फ्रैक्शन जिनके की डिनोमिनेटर सेम होते हैं थ्री अपॉन थर्टीन सेवन अपॉन नाइन नाइन अपॉन थर्टीन फाइव अपॉन एट और फोर अपॉन थर्टीन में आपके लाइक like फ्रैक्शन क्या है थ्री अपॉन थर्टीन नाइन अपॉन थर्टीन एंड फोर अपॉन थर्टीन

टू अपॉन नाइन और थ्री अपॉइन फाइव क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन इसी तरीके से थ्री अपॉन फाइव नाइन अपॉन थर्टीन नाइनटीन अपॉन इलेवन सिक्स अपॉन फोर्टीन एंड ट्वेंटी वन अपॉन इलेवन में प्रॉपर फ्रैक्शन थ्री अपॉन फाइव नाइन अपॉन थर्टीन एंड सिक्स अपॉन फोर्टीन ये दो आपको अपना आप करने हैं फिर क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको सबके फोर फोर एग्जाम्पल लिखने हैं यूनिट फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन के फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स नंबर इन टू द इम प्रॉपर फ्रैक्शन आपको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है टू बाई थ्री अपॉन फोर तो फोर का पहले हम टू में मल्टीप्लाई करेंगे फोर टू झा एट और फिर जो ऊपर नंबर है आपको वो उसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पे थ्री भी है तो थ्री प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा इलेवन तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इलेवन अपॉन फोर इसी तरीके से एट बाई सिक्स अपॉन सेवन है तो सेवन मल्टीप्लाई एट करेंगे और सिक्स उसमें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटी टू अपॉन सेवन इलेवन बाई वन अपॉन टू तो टू का इलेवन में मल्टीप्लाई करा ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में वन प्लस करा तो ट्वेंटी थ्री अपॉन टू इसको आप अपना आप ही कन्वर्ट उसके बाद क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट द दॉपर फ्रैक्शन इन टू मिक्स नंबर आपको इन प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है तो देखिए आप इसको 27 सेवन अपॉन टू दे रखा है तो हमें 2 से 27 को डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारे क्वेश्चन कितना आया 13 और रिमाइंडर आया 1 हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन आपका आगे आएगा 13 बाय वन अपॉन टू इसी तरीके से अगला देखिए थर्टी नाइन अपॉन सिक्स है तो सिक्स से हम थर्टी नाइन को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तो आपका थ्री नीचे रिमाइंडर बचा और क्वेश्चन आपका सिक्स आया तो हम इसको लिखेंगे सिक्स बाई थ्री अपॉन सिक्स फिर नेक्स्ट देखिए 98 एट में आपको फिफ्टीन से डिवाइड करना है तो फिफ्टीन से डिवाइड करा फिफ्टीन सिक्स 90 तो यहाँ पे रिमाइंडर एट बचा तो आप फिफ्टीन इसको लिखेंगे सिक्स बाई एटी एट अपॉन फिफ्टीन ये आपको अपना आप कर रहे हैं ये आपका एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन कंप्लीट हो गई नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज करेंगे